अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 15 अप्रैल को अयोध्या दौरे को लेकर रेल अधिकारियों ने साथ ही जिला और पुलिस प्रशासन ने अयोध्या रेलवे स्टेशन महामहिम उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर मॉकड्रिल किया। इस मॉकड्रिल के बाद आईजी अयोध्या कविंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महामहिम उपराष्ट्रपति के कल के अयोध्या दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मॉकड्रिल किया गया है। इससे हमारे साथ अयोध्या के एसएसपी शैलेश पांडे, बाहर से मिली फोर्सेस के अलावा रेल प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि मॉकड्रिल करके माननीय उपराष्ट्रपति के आगमन पर उनकी सुरक्षा को लेकर समस्त कार्यक्रम के दौरान जो व्यवस्था की गई है उसका जायजा लिया गया। उनका मानना है कि माननीय उपराष्ट्रपति आज ही आने वाले हैं और इस मौके पर सभी कर्मचारी सुरक्षा बल अपने ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहकर रिहर्सल करते हैं और अगर बंदोबस्त में कोई कमी दिखती है तो दोबारा से विचार विमर्श कर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। दरअसल महामहिम उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कल अयोध्या दौरे पर होंगे। दिन में लगभग 11 बजे वे लखनऊ से रेलमार्ग के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे और करीब 3 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और सबसे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां विराजमान रामलला की आरती भी उतारेंगे। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय कल आ रहे हैं और उनके साथ उनके गेस्ट भी हैं। इसको लेकर के हम लोग ड्रिल है हम लोगों की, इसके रियल टाइम में हम लोग रिहर्सल करते हैं जब उनको आना होता है। तो उसी के हिसाब से हमारे साथ हमारे एसएसपी साहब हैं जो बाहर से में फोर्सेज में भी हैं, हमारी जो एस सिक्टी में है, BDDS स्क्वाड है, इंटेलिजेंस के लोग हैं, रेलवे के अधिकारी हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर जा करके आज हम लोग एक तरह से ये मान के करते हैं कि कल जो आना है वो आज ही आ रहे हैं।